जी अस्सलाम वालेकुम। एक शौक एक दिन उस्ताद ज़हीर बल्तिस्तानी के साथ आपके साथ इस वक्त हम हाजिर है सफदर कोटला के छत से। माशाल्लाह इनके ब्रीडर कबूतरों का शौक करते हुए ये वो कबूतर है जो माशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। इन कबूतरों के आगे जो है ना जो मोहर लगा हुआ है ना वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, यानी कि इस जैसे घंटे किसी कबूतरों ने नहीं बनाया। माशाल्लाह 1200 से ऊपर घंटे बनाए 11 दिन के माशाल्लाह से। ये सफदर भाई की छत से मंडी बहाउद्दीन हम यहाँ से ऑनलाइन है। ये कबूतर दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ताकि अपने दोस्तों को दिखाया जाए ये वो कबूतर है जो रिकॉर्ड होल्डर है। माशाल्लाह अल्लाह इन कबूतरों को सेहत तंदुरुस्ती दे। क्या बात है इन कबूतरों की। माशाल्लाह पुराने कबूतर भी है इसमें, कुछ नए कबूतर भी है। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स आप देखें, जिस बंदे ने ये मेंटेन किया हुआ है क्या बात है उनकी परख की जबरदस्त। और सफदर भाई भी हमारे साथ आ चुके हैं, अभी थोड़ी देर में हम उनसे बात करते हैं तो हम उनसे पूछेंगे ये सब कैसे बनाया उन्होंने। और माशाल्लाह ये गर्मी के कबूतर है, टेम्परेचर कम से कम इन कबूतरों के लिए 42 से ऊपर जब होते हैं जब ही शाम को बैठते हैं। माशाल्लाह ये कबूतर देखो जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कबूतर। वालेकुम सलाम जी, क्या बात है जी। आप देख रहे होंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कबूतर है ये। माशाल्लाह इन्होंने सबसे ज़्यादा घंटे बनाए हुए अभी तारीख में सबसे ज़्यादा घंटे बनाने वाले कबूतर यही है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं सारे कबूतर बैठे हुए हैं। और माशाल्लाह जी बहुत कम जोड़ों वाला कबूतर रखा हुआ है सफदर भाई ने। क्या बात है सफदर भाई की, ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है कि हम आज इधर पहुँचे हैं माशाल्लाह से। जी जी भाई जान, हम आपको F16 के भी शौक करवाएंगे। ये देखें ज़रा कबूतर, माशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कबूतर है। माशाल्लाह इनसे ज़्यादा घंटे किसी भी कबूतरों ने नहीं बनाए अभी तक, 147 घंटे बना चुके हैं माशाल्लाह जेड में। अच्छा जेड की कबूतरबाजी में जो है ना तारीखी उड़ान दिया हुआ इन कबूतरों ने। अभी हम जाते हैं सफदर भाई की तरफ तो इंशाल्लाह उनसे बात करते हैं, साथ साथ शौक भी करते हैं इंशाल्लाह, कुछ सवालात भी पूछते हैं सफदर भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से सब देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सारे भाई, ठीक है और खैरियत है? माशाल्लाह सफदर भाई आज हम आपके पास हैं इधर, आप एक रिकॉर्ड होल्डर हैं माशाल्लाह, आपके जो कबूतर हैं वो भी रिकॉर्ड होल्डर, आप भी रिकॉर्ड होल्डर, आपके उस्ताद भी रिकॉर्ड होल्डर और आपका दादा उस्ताद तो माशाल्लाह क्या ही बात है उनकी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। जी ज़हीर भाई आप बात ठीक कर रहे हैं, ये अल्लाह का करम है कि हमने उस्ताद आशिक दस से हमने शौक किया है और हमारे जो उस्ताद हैं उस्ताद मियाँ रियासत अली, उन्होंने हमारी छत पर हर किस्म का हमारे साथ तावन किया है और जो कबूतर हमारे चैम्पियन बने हैं वो हमारे उस्ताद ने खेल पानी दिया है और बाकी भी जो नेक्स्ट टाइम में भी जो अभी उनके घर से 18 बच्चे आए हैं हमारे पास इधर है माशाल्लाह। तो
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में भी शौक अच्छा होगा। और आपको भी मैं शौक कराता हूँ F16 कबूतर का, जिसने 2019 में रिकॉर्ड बनाए थे। वो F16 कबूतर है, मेरा लकी कबूतर है। जितने सीज़न में ये कबूतर मेरे पास रहा है, इस अल्लाह ने मुझे फतह दी है। तो सदर भाई, इतना बड़ा रिकॉर्ड, चलो यार, बंदा एक दफ़ा 147 घंटा बना देते, एक दफ़ा 140 बना देते, आपने रिकॉर्ड की अंबार लगा दिया, इसमें क्या राज है? ज़हीर भाई, पहले तो ये बात है कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत अच्छे उस्ताद दिए हैं, मेरी दफ बहुत अच्छी है। और बाकी तुम्हें पता है, अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे, अल्लाह जिसको ज़िल्लत दे, अल्लाह पाक ने मुझे ये इज़्ज़त दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में भी ये रिकॉर्ड बनेंगे। इस दफ़ा भी अगर मौसम साथ देता तो इंशाल्लाह एक नया रिकॉर्ड बनना था। लेकिन फिर भी सफदर भाई, माशाल्लाह, आप हमने मैं आपके पोज बनाते रहे, और मेरे नॉलेज में ये है, आपने अपने तकरीबन हरीफों को तो क्लियर कर चुका था, जीत चुके थे आप जी। तकरीबन 9-10 घरों को मैंने कोर्ट किया इस मरतबा भी, लेकिन उस्ताद के वालद के फोतगी की वजह से जनाब इस साल जो है ना, मेरा शौक पूरा नहीं होगा हो सका जी। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह शौक करेंगे, और इंशाल्लाह रिजल्ट इसी तरह ही देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह सफदर भाई, अपने दादा उस्ताद के बारे में कुछ अल्फाज हमें, आपको कैसे लगते और कैसे, किस शख्सियत के मालिक है वो? जी, वो एक अनमोल तोहफा है हमारे लिए। अल्लाह पाक ने मुझे हमारी सारी पार्टी को अल्लाह पाक ने वो एक अनमोल तोहफा दिया है। कुछ उस्ताद होते हैं जो अपने शिगिर्दों को कुछ नहीं बताते, कुछ उस्ताद होते हैं अपने शिगिर्दों को बताते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो जो है ना शिगिर्दों को गिफ्ट नहीं करते। हमारे उस्ताद ने, हमारे उस्ताद हैं उस्ताद मियाँ रियासत, उनके उस्ताद हैं उस्ताद आशिक हुसैन साहब। उस्ताद आशिक हुसैन साहब एक ऐसे शख्सियत है कि अपने शिगिर्दों से कोई चीज़ भी जो है ना, वो ऐसा नहीं कि ये मैं उस शिगिर्दों को ना बताऊँ जी जी। और जो अपनी छत पे वो खेल पानी, वो सब शिगिर्दों को खेल पानी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की एक हमारे लिए नेमत है, अल्लाह ने हमें हमारा दादा उस्ताद इस तरह का दिया है। और हमारे ये पीर भाई हैं, पीर इमरान शाह, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया जानती है मंडी बावलदीन में बहुत अरसे से ये शौक कर रहे हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में भी इंशाल्लाह उस्ताद आशिक हुसैन पार्टी के इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा जो है ना रिकॉर्ड हो गए इंशाल्लाह। माशाल्लाह सफदर भाई, अपने शाहजी ने भी माशाल्लाह पिछले साल काफ़ी अपने सारे हरीफों को तकरीबन क्लीन स्वीप किया। शाहजी ने इस साल भी एक मरतबा बैड लक हुई है। हम दोनों शाहजी के साथ भी, हमारे साथ भी एक बैड लक हुई है। उसके आगे जितने हरीफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब को ये भारी लीड से शाहजी ने विन किया है। बिल्कुल, ये खेल है, कबूतरबाजी एक फन है, इसमें किसी को जो है ना हार्ड नहीं करना चाहिए, शौक ही हद तक रखना चाहिए। अब आप लोगों को जो है ना, इंशाल्लाह हम F16 वो जो जेट चैंपियन 2019, माशाल्लाह जी, रिकॉर्ड होल्डर ज़हीर भाई, ये मेरे पास 2015 से ये पट्टा है, और जिस सीज़न में भी F16 उड़ा है अल्लाह पाक ने मुझे फतह दी है। मतलब ये आपका लकी कबूतर है? मेरा ये लकी कबूतर है जनाब। माशाल्लाह, लो जी, वो कबूतर आ गया जिसका हमें तो इंतज़ार था। माशाल्लाह, ये रिकॉर्ड होल्डर कबूतर है। आप इनकी, हम सबसे पहले सफदर भाई को बोलते हैं इसकी आंखों का शौक करवाएं, ताकि हमारे देखने वालों को, मतलब क्या बात है, क्या बात है इस कबूतर की, आप लोग देख सकते हैं, ये वो कबूतर है जो माशाल्लाह रिकॉर्ड होल्डर कबूतर है। क्या बात है सफदर भाई, इसके परों का जरा शो। अच्छा, ये इस साल भी उड़ा था? जी, इस साल भी ये कबूतर उड़ा था, लेकिन मौसम की खराबियों की वजह से ये कबूतर हमने नहीं डाला, क्योंकि ये जो जितना टेम्परेचर हो ये कबूतर उतना ज़्यादा उड़ता है। अच्छा, अगर 48-49-50 तक भी टेम्परेचर जाएगा तो ये F16 8-10 घंटे जरूर उड़ेगा। अच्छा, अभी इसका जो है ना बेटा जी, वो भी उड़ रहा है, और इसका जो है ना इसके भाई के बच्चे, इसके बाप के बच्चे, यानी कि ये मेरे पास तकरीबन 25-30 बहन भाई, यानी कि इनका खानदान है।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिजल्ट इंशाल्लाह पहले भी आपने देखा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में देखोगे इसका जरा पर इंशाल्लाह। अभी ये क्रीच में है, क्रीच में बिल्कुल जी। माशाल्लाह दोस्तों देखो ये रिकॉर्ड होल्डर कबूतर है सफदर भाई के, F16 कबूतर है माशाल्लाह। सफदर भाई ये बताओ इसका जो है नाम पड़ा है जो F16, इस जरा चेहरा दिखाने से इसका जो नाम पड़ा है सफदर भाई वो नाम कैसे पड़ा है? 2015 में ये दो मेरे पास पट्टे थे जी जी, बड़े फिरोजपुरी के, एक का नाम मैंने शहीन रखा था, एक का नाम मैंने रखा था F16। क्या शहीन उस टाइम नीचे आता था जब एक भी कबूतर नहीं रह जाता था ऊपर। अच्छा, और ये F16 जो है ना ये तकरीबन अगर 10 मरतबा रात को उड़ा है ना जी, तो जी 10 में से 8 फिरते ये घर बैठा है, तो मैंने इसका नाम जो इसलिए फखर से रखा था F16 क्योंकि हमारा कौमी जो है तैयारा जो है तैयारा भी है F16 माशाल्लाह, उसके नाम से मैंने इसका नाम रखा था F16। ये इसने फिर कारनामा भी ऐसा किया माशाल्लाह जी। जहीर भाई सारी दुनिया F16 को जानती है, मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। तो इसके कोई और जद वगैरह भी दिखे जी? इसका मैं जो है ना भतरिया तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा, यानी कि इसके भाई का बेटा। हाँ जी, माशाल्लाह जी। अभी हम जिस शख्सियत के साथ है वो किसी तारीफ के मुहताज नहीं, वह रिकॉर्ड होल्डर है माशाल्लाह। मैं शौक करा लगा एक कबूतर जनाब 20 दिन तो बाद वापस मेरा घर आया है माशाल्लाह। और जो घर वापस आया एदी पोर्ट विचो रोड और सबज गा दे जरे जेड़े ना पलटाया है ते विचो निकले ने माशाल्लाह। ये जनाब F16 दा बतरिया है। अच्छा, यानी कि इतना घर का पक्का और इतना गैरतमंद कबूतर जी। 20 दिन जो है ना ये किसी ने पकड़ा नहीं है इसको। अच्छा, ये शो करो इसका ठीक 20 दिन जी। कोई भी बंदा अगर उसके पास ये कबूतर हो तो वो जोड़ों में तो रखेगा, उड़ाएगा कभी नहीं। जहीर भाई दोस्तों देखो माशाल्लाह इसकी आंख, इसकी चमक दमक, क्या बात है इस कबूतर की। 20 दिन बाद भी ये वापस है जहीर भाई। इस कबूतर जी जी बोले बोले इस कबूतर को जो है ना रात को बाहर रहना, यानी कि राती एक कबूतर बाहर नहीं रह सकता, एदे वास्ते एक मेन है कि मैं राती बाहर नहीं रह सकता। एक कबूतर अगर बंद भी होया ना जी जी, सन बिना बिना झिझक असि आख सकते हैं साडे कबूतर इस घर बने है। यानी घर बैठना है क्या बात, एक सेकंड ये जरा देखने दो। 20 दिन बाद ये कबूतर वापस आए दोस्तों देखो माशाल्लाह जी। ये क्रीज में है कबूतर माशाल्लाह, F16 का भतीजा है ये माशाल्लाह, बिल्कुल उसी की तरह वही ब्लड लाइन है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी क्या बात है। अभी आपको एक मादा का शौक कराता हूँ जो मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद मियां रियासत ने इस नार के लिए भेजा है। अच्छा, वो हमारे दादा उस्ताद के घर की ब्रीड है, शायद आप सब जानते हो उसको। आपको जो है ना क्या कहते हैं कामरान जट जो लाहौर का वो सियालकोट का माशाल्लाह, वो आपको सलाम कह रहे हैं कामरान भाई, हमने आपका सलाम दे दिया। वालेकुम अस्सलाम जी जी, दिखाएं ये जरा, ये मियां रियासत भाई ने जो है उस्ताद सफदर कोटला भाई को जो है ना गिफ्ट किया है और F16 के लिए दिए माशाल्लाह, के भतीजे के लिए माशाल्लाह जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर छत सफदर कोटला भाई के छत से हम शोक कर रहे हैं, आप लोगों को परिंदे दिखा रहे हैं माशाल्लाह जी। ऐसे कबूतर माशाल्लाह बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है माशाल्लाह जी। 147 घंटे इन्होंने मारे, इन्होंने रिकॉर्ड के अंबार बनाए माशाल्लाह। अच्छा, 20 मिनट, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पहले आपने रिकॉर्ड तोड़ा जी, फिर आपने फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ा जी। ये पिपलों वालों से हमारा कंपटीशन हो गया था, एक ग्रुप में हमारे जो है हमारे जो फेवर करते थे ना जी जी, फिर उन्हें कमेंट्स दे जनाब ये गल्ला हुई जी पिपलों ने रिकॉर्ड तोड़ना है तो ये करना है तो वो करना है। उस टाइम एक गल की थी कि अलहमदुल्ला साढ़े कबूतर उड़ते पे तो इन शाला रिकॉर्ड अपना आप तोड़ना है।
उस साल ही जनाब 145 घंटा 20 मिनट जनाब रिकॉर्ड कसम बनाया ही। अच्छा, बाकी रिकॉर्ड टूटन वास्ते होंदे ने। हाँ। अल्लाह पाक जिस नु इज्जत देवे, जिस नु जिल्लत देवे, अल्लाह पाक दिंदा है। बाकी इंशाल्लाह उस्ताद आशिक हुसैन पार्टी जदों भी मैदान दे विच आई इंशाल्लाह एक नया जनाब रिकॉर्ड बनाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपको उम्मीद है माशाल्लाह, इंशाल्लाह भरोसा है आपने इंशाल्लाह। क्या बात है, इसका पर देखे दोस्तों। मियां फैसल भाई, वालेकुम सलाम उस्ताद मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। क्या बात है जी, वाह जी वाह। यार सफदर भाई, आपने अभी जो बात किया माशाल्लाह दिल छू गया। आपने बोला रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनते हैं माशाल्लाह, किसी अल्लाह जिसको भी इज्जत दे। ये सफदर भाई के उस्ताद मोहतरम ने F16 के लिए माशाल्लाह अपने घर से पट्टी भेजी है माशाल्लाह। क्या बात है, तो अभी हम देखते हैं सफदर भाई हमें कौन से कबूतर का शौक करवा रहे हैं। जी सफदर भाई, अब आप कौन से कबूतर का शौक करवा रहे हैं? जी ये जो F16 की बहन है ना, उसका ये बेटा है। अच्छा माशाल्लाह, F16 का भांजा है ये। भांजा है माशाल्लाह। ये आपने जोड़ों के लिए रोके हैं सफदर भाई? जी वैसे तो ये उड़ते रहे हैं, अभी जो है ना 10 कबूतर रोके हैं जोड़ों के लिए, क्योंकि पीछे से जो है ना इनके क्या बात है बहन भाई जो है ना बहन भाई वो आ गए। लो जी, ये असल में कबूतर क्रीज में है, तो बहुत बहुत शुक्रिया कामरान जट भाई आपका प्यार देने का। ये कबूतर थोड़ा क्रीज में है बगल देखो ना इसकी, और बगल की परियां देखो आप, ये इनकी बगल की परियां देखो माशाल्लाह जी। और ये बड़ा इसका बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ये देखो जी कामरान जट साहब, तुसी भी ये फरमाइश कर दिया कोटला साहब के शौक कराओ कबूतरां दा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹਮ ਤਾਂ ਆਪ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੈਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਫਦਰ ਕੋਟਲਾ ਭਾਈ ਕੇ ਛੱਤ ਸੇ ਹਮ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ये वो कबूतर आपको शौक करवा रहे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है? जी ये कबूतर जो है ना मादा, जी ये मादा फरोजपुरी जड़ा है ना, जी जी फरोजपुरी का पट्ठा का प्यो है जी, माँ जी बटेरी है। मतलब F16 जो है ना इसमें ब्लड है? जी ब्लड है हमारा, साढ़े जड़े कबूतर है ना, कोई भी साढ़ा ऐसा कबूतर नहीं कि जेदे विच साढ़ा फरोजपुरी ब्लड ना हो। क्या बात, यानी कि साढ़े को जड़ी भी ब्रीड है उधर बेचो साढ़ा F16 यानी कि फरोजपुरी जड़ा ना ब्लड है वो जरूरी है माशाल्लाह, उस तो बगैर जनाब सान चास नहीं होती, चास नहीं होती। क्या बात है जी, थोड़ी जी धूप होती थे और बाला जड़ा ना चास होनी सी। अभी हम आपको धूप में भी दिखाएंगे, धूप में भी दिखाएंगे हम इसको ना, धूप में भी इनके एक दो कबूतरों की आइज दिखाएगा ताकि इनके तिल विल जो है ना लोगों को समझ आए। क्या बात है, लो जी माशाल्लाह जी, क्या बात है इसका सर जी, इसका अच्छा मादी माशाल्लाह जी। ये वो कबूतर आपको शो करवा रहे हैं दोस्तों जो क्या कहते हैं जोड़ों में डला हुआ है जी, F16 ब्रीड है जी। यानी कि देखो सफदर भाई, आपका ये वीडियो देखने वाले जो नए शौकीन है ना, उनके लिए एक सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि आप ये देखो ब्रीड से उठा के दिखा रहे, जो बच्चों पे वो भी आप उठा के दिखा रहे। ये आपका बहुत शुक्रगुजार है मैं कि आपने इस मेरे प्लेटफार्म से ये दिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया सफदर भाई। बाकी जहीर भाई ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਫੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਫੜੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਫੜੋ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਫੜੋ
जड़ा तो आनु कोई सिखावे तो माशाल्लाह ये आपने जो बात बोला ये इसमें बड़ा क्वालिटी हम हर हर प्रोग्राम में तकरीबन मेरा ये कोशिश होते हैं लड़कों को यही बताने जो नए शौकीन हैं आप एक अच्छा मतलब उस्ताद को अपने जो है ना उस्ताद बनाओ ताकि जो है ना आप एक अच्छा शौक कर सके वो आपको सिखा सके तो यही बात सफदर कोटला भाई ने बात किया क्योंकि ये आज जिस मुकाम पे है तो इसके उस्ताद और दादा उस्ताद की दुआ है ये हम इनसे खुद पूछेगा आप अपने उस्ताद से मतलब माशाल्लाह हम तो मुझे तो पता है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ताकि अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी अपने उस्तादों का खैर सा भी इज्जत करते हैं लेकिन फिर भी जी ज़हीर भाई जनाब अल्लाह पाक की एक नेमत होता है एक अच्छा उस्ताद जो वधिया उस्ताद है ना अल्लाह पाक देवे ना तो एक जड़ा ना नेमत समझो अल्लाह पाक दी जी जी तो बाकी अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सन जड़ा ना उस्ताद मिये रियासत या अच्छा एक निशान अच्छा एक उस्ताद दिता है तो जेडे सन हर किस्म का साढ़े तामन करते हैं बाकी कबूतर उस्ताद अपनी छत पर जो उन्होंने अच्छा लगे ना उस गिफ्ट करते हैं सच अपने कबूतर में जो मेनटेन करके शायद मलंगी भाई भी आपको देख रहे हैं माशाल्लाह मलंगी भाई क्या हाल है ठीक हो और खरीयत है बस अभी आपको मिस कर रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी तो शायद भाई शायद मलंगी भाई भी माशाल्लाह इस दफा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने ज़हीर भाई जो शायद मलंगी है ना वो एक जुनूनी खिलाड़ी है अच्छा उसमें एक जुनून है अच्छा और माशाल्लाह हमारी पार्टी में जो है ना जैसे पीर मोजी शाह उस्ताद मियां रियासत रमीज भट्टी शायद मलंगी जैसे खिलाड़ी अल्लाह पाक ने जो है हमारे साथ अटैच की है तो इसी तरह अपना दीने वाले अपने भाई जो है हाँ बिल्कुल मुफ्ती भट्ट साहब इमरान शाह भाई या इमरान शाह भाई जो भी ये खिलाड़ी है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में जब मैदान लगेगा ना नसन नहीं लगे पेड़ से खिलोवेंगे क्या बात है जी क्या बात है क्योंकि साडे उस्ताद दलेर ने असि उन्होंने शिगिरद इंशाल्लाह जदों भी पेड़ लगा इंशाल्लाह शेर हार खिलोवेंगे हार जे गेम का हिस्सा है अपने हरीफ ना जड़ा ना उदी इज्जत करो ताकि थोड़े ना कुछ शौक करे कोई आखे किसे ये आपने ये जो बात आपने शेयर किया शायद मलंगी के लिए शायद मलंगी भाई ये तासुरात रखते हैं आपके भाई सरदार कोटला भाई माशाल्लाह जी हम एक कबूतर का शौक करते हैं ये भी एफ 16 कबूतर है जी ये पर वो ही है जी जी लेकिन जड़ा ना सलारा टैडी माशाल्लाह जी देखो दोस्तों सरदार भाई आपको साथ साथ में क्रॉस भी बताते जा रहे हैं क्या बात है अच्छा ये सारा ब्रीड जो करते एक दिन आप मुझे आपसे मेरी बात हो रहा था तो आप मुझे बता रहा था ज़हीर भाई मेरा जो भाई है ना जी वो कमाल का जोड़ा लगाया उसने F16 के बारे में देखो यहाँ ये शेयर करना जरूरी है जी ज़हीर भाई मेरा ये छोटा भाई अफजल माशाल्लाह अल्लाह अच्छा वो ये भाई है जिसने जोड़ा लगाया क्या ये हमारा अफजल सही माशाल्लाह इसकी तरह पर दिखाएं आप अभी क्रीच बेचे अगर क्रीच बेच ना होती तो जड़ा नहीं अच्छा क्या बात है यार इमरान भाई मजा आ रहा है आपको शौक करने में इसका जरा चेहरा दिखाएं उस्ताद मतलब अच्छा तो पूरा दुनिया फैन है इनके कबूतरों के क्या बात है माशाल्लाह मजा आ गया बाकी ज़हीर भाई मैं एक मदद करता जी जी थोड़ा जा जड़ा ना टाइम ना होने दे वजह तो और मैं अपने जड़े असल इन दे पीछे बैक साडी ब्रीड है ना उनां दा मैं शोक नहीं करा सकया क्योंकि थोड़ा टाइम थोड़ा सी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चक्कर लगा बिल्कुल बिल्कुल लगेगा पीछे जड़ी मेन ब्रीड है ना हां वो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जड़ा शोक करा सक बाकी तुसी शोक करो इंशाल्लाह मजा आ सकदा हां बिल्कुल जबरदस्त अच्छा जी माशाल्लाह ये चेस वाला है जी अच्छा उस्ताद ना ये उस्ताद मियां रियासत भाई की तरफ से आया है माशाल्लाह मियां रियासत की भी तो क्या ही बात है ना उनकी भी तो
माशाल्लाह अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। जी ये उस्ताद मियां रियासत साहब जनाब जिस टाइम असि पहली बार उन्होंने शिगिरदी च आया जनाब उन्होंने सामने दिते सन। अच्छा। और चार साल जनाब ने साड़ी साथ उड़िया है तकरीबन एक दो बार को साधो नजर ना रात बाहर रह गए थे वो गल वखरी है लेकिन रात बाहर के शोर वाह 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 रोज पूरी दिन में टच के नो ले आना ले पहले ना हो ये एक नसल ले आना क्या ये क्रीज में है जी दोस्तों इसकी पर की बनावट देखे आप अंदाजा लगाए क्या बात है सब कबूतरों का जो है ना ये खोले एक सफदर भाई सब कबूतरों का जितने भी कबूतर है उसका ये चीज देखने के देखो क्या बात है घनी बहुत है लेर भाई मैं तुम्हें गाल दसना जी जी अगर तुम किसी भी छत उत्ते जाते हो जी या जिस बंदे ने अल्लाह पाक अकल दिता है किसी छत उत्ते जाता है अगर देखना चाहते हो कि बंदा सियाना है या नहीं उसके कबूतर वेखो कबूतर का पला बॉडी स्ट्रक्चर और साइज अगर एक के तो उसकी कबूतर बाजी ठीक है उस अल्लाह पाक ने अकल पाया है माशाल्लाह ये नहीं कि कबूतर वड्डा है एक निक्का है एक का पला हो रहा है एक का हो रहा है यानी कि कबूतर वाला मजा नहीं अच्छा मजा तब दिए अपने घर के जोड़े हो पता है कबूतर बनाए एक साइज के कबूतर हो एक तरह का उन्होंने पला हो माशाल्लाह अज तो अन्न साढ़े अपना कमरान भाई नकवी साहब ने माशाल्लाह उन्होंने जनाब सन ने बच्चे गिफ्ट किए माशाल्लाह चंगे दो बच्चे उन्होंने घर के उड़े साढ़े को वधिया लो जी ये कामरान भाई ने इनको गिफ्ट किया है माशाल्लाह ये बहुत अच्छा उड़ा है इनके पास क्या बात है जी क्या बात इसका पर गजर शो कर अभी करीब ये कामरान भाई ने इनको मतलब गिफ्ट किया माशाल्लाह जबरदस्त वाह जी ऐ जनाब फरोजपुरी दी यानी कि और नस्ल विच होई गई अच्छा जा जेडे बड़े 10 जोड़े ना जी जी फरोजपुरी जी जी ओ साडे घर है ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੈਚ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦ ਲਾ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਵੋ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਵੈਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ अभी इस वक्त दो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हमारे पास है एक असू के वो वसाक के और एक जो है माशाल्लाह सफदर भाई जेठ के वो दोनों उस्ताद आशिक हुसैन पार्टी से ताल्लुक़ रखते एक का नाम है सफदर कोटला भाई दूसरा हमारा रमीज भट्टी भाई क्या बात है उनकी माशाल्लाह जी क्या बात है ज़बरदस्त होगी जी अल्लाह इन दोनों भाई को सेहत तंदुरुस्ती दे हमारे साथ रखे अल्लाह पाक जो है ना जी जी हमारे उस्तादों को अल्लाह पाक माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्या कहते हैं सफदर भाई क्यों भाई जाहिर है बड़ी अच्छी टेप दिती है बिल्कुल भाई सफदर हाँ एक ही बॉडी होनी चाहिए एक ही पार होना चाहिए बिल्कुल बड़ी वड्डी गल कर के फिर बंदा समझ आता जो बंदे कबूतरबाजी करते हैं ना जी जी। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਤਦਾਦ ਚ ਘਟ ਜਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਪਰ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੱਠੀ ਪਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਉੱਡਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਥ ਨੇ ਉਸ ਸਫਦਰ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੌਜੀਕ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕਿਹਾ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ उनकी साइज देखो क्योंकि सफदर भाई यही है ना जी जी आपका अच्छा मुझे ये बताओ सफदर भाई अभी इधर आपके कबूतर मैंने देखे हैं देखो हालांकि इसमें बड़े कबूतर भी है मतलब यंग कबूतर भी है लेकिन साथ जब है तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये बड़ा है ये छोटा है मतलब एक ही डाई के कबूतर है जी जी जैसे कि अभी हम गया था माशाल्लाह उधर अपना शेख हसनैन साहब के पास उनके पास भी जो है ना वो भी माशाल्लाह अपने मिसाल आप है उनकी कबूतर भी ऐसा ही था एक ढाई के थे जिस तरह आपके कबूतर है भाई जी थे तो टोल जाओगे ना जिन बंदे को कबूतर नस्लदार नस्ल लेना जी को अपना कलर नहीं छड़न लगे
सही है जी जी। तकरीबन जेडे साडे कोल कबूतर ने जनाब ये पंजवें छेवें क्रास तक ही अपना रंग अपनी अख का कलर नहीं देंदे किसी ने भी कबूतरी चैंपियन ने जिस 2018 भी रह चुका है ये मादी माशाल्लाह जी 138 घंटा 11 दिन के इस मादी ने बनाया है माशाल्लाह क्या बात है। ਮੁਲਕ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਖਾਬਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਮਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਸਹੀ ਰਹਿ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਲਕੇ ਵਜਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਆਈ ਮਾਦੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਡੀਆਂ ਵਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜਾ ਇਹ ਮਾਦੀ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਮੁਲਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਸਟੰਪਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਟੰਪਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਮੋਹਰ ਆਇਆ ਦੀਆਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਉੱਡੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜੋਸਰੇ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋਸਰੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲੰਗ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੱਠੀ ਹੈ ਮਲੰਗ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਲੰਗ ਬ੍ਰੀਡ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਅੰਕਲ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਸਰਦਰ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆਈ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਅਲੀ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਅਸਾਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅਸਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਜੋੜੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਰ ਕੇ ਤਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੋਲੀ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਏ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਰੀਸ ਮੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਜ਼ੇਰ ਭਾਈ ਤੇ ਪੰਜੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਸਕੇ ਪੰਜੇ ਦੇਖੇ ਸਫਦਰ ਭਾਈ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਇਨਕੇ ਪੰਜੇ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸਕੇ ਆਂਖ ਤੋ ਦਿਖਾਇਆ ਹਮਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੇ ਇਸਕੇ ਆਂਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਭਾਈ ਯਹੀ ਹੈ ਇਸਕੋ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਛੱਡੋ ਨਾ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਤਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਿਆ ਮਨ ਉੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯਾ ਇਸ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਰਾਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਗਾਰ ਹੀ ਬੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅੱਛਾ 10 ਪਾਰ ਸਾਫ ਕਰ ਕੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 7-8 ਐਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਰਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸਤਾਦ ਆਉਂਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਗਾਰ ਦੇ ਬਰੀਡ ਹੈ 50 ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਬੱਦਲ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਤੂਫਾਨ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਾਬ 4 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਲਗੜ ਫੜਿਆ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਜਾਂ ਰਾਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ 16 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਬਲੱਡ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਰੇ ਬਣੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉਹ ਇਹ ਦਾ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਮਹਿਤਾਜ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਤਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਕਰਾਸ ਆਪਣੇ ਉਡਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕਰਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉੱਡਣ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈਆ ਜਿਹੜਾ
ਬੱਚਾ ਜੇ ਇੱਕ ਕਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਸ ਛੱਡਦਾ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਲੈ ਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਰ ਲਈਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਡਾਈ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੋਕਰ ਆਪਕੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਮਰਜ਼ੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਇਨ ਸਭ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਦਾਰ ਮਦਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਉਨਕੋ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਮੀਨ ਜੀ ਆਮੀਨ ਜੀ ਆਮੀਨ ਜਿਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੋ ਆਜ ਹਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਵਿੱਚੋਂ 90% ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਨਸ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦਲੇਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਸਨ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਸੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਰੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ہمارے نفیس بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے یونان سے کیا بات ہے نفیس بھائی آپ مادہ لگی جی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ کور کمانڈر تو نہیں ہے یہ کور کمانڈر کی چرچا بہت ہے ماشاء اللہ ये उस्ताद मोहतरम की तरफ से है जी माशाल्लाह जी क्या आंख है यार इसका सफदर भाई ये देखो जी क्या बात है इस कबूतर की सफदर भाई मजा आ गया इस कबूतर को खूबसूरती अपने मिसाल आ गए نوید چیمہ صاحب ماشاء اللہ جی بہت بہت شکریہ تو یہ بھی استاد جی کے گھر جی یہ استاد میاں ریاض صاحب جناب یہ بھی سن گفٹ کی اچھا جوڑیا واسطے کیا جوڑیا اتر لاو جناب فروز پوری میں چیک کراس کراؤ ایک منٹ صدر بھائی اس کی آنکھ ذرا دکھا جی ماشاء اللہ جی کیا پر ہے اس کا ماشاء اللہ یہ استاد جی کے گھر سے اس کا چہرہ ذرا دکھائے یہ ٹیڈی کبوتر ہی ماشاء اللہ بہت پیاری ہے یار ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 88 ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੈਯਦ ਨਜਮ ਭਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਪਾਈ ਦੇਣ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਚਲ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜਾਏ ਗੱਲ ਇੱਕ ਲੈਦਾ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸੰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਆਰਾਮ ਕੋ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਰਾਨ ਬਾਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਡਾਉਣੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋੜਿਆਂ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ 50,000 ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਡਾਇਆ بہت زبردست بات میں اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں صفدر بھائی ایک سیکنڈ
हाँ मुझे ये बता अभी आपने बोला जब तक मैं कबूतर उड़ाता नहीं हूँ, जब तक वो 50,000 का भी आया तो मैंने उड़ाना है जी, इसकी क्या वजह है जी? इसकी ये वजह कि मेरा जेड़ा ना दिल मुतमिन नहीं होता किसी दी घर दी ब्रीड उते। बिल्कुल, मैं जितने भी कबूतर उड़ाना अगर किसी को लेंदा तो मैं अपने कबूतर क्रॉस करके उड़ाना वरना नहीं उड़ाता। अच्छा जा, बाकी बच्चे किसी को लिया के पहला उन्होंने उड़ा के दा पर साफ करके फिर उड़ा के अच्छा रिजल्ट दें तो मैं कबूतर इस्तेमाल करना वरना नहीं करता। माशाल्लाह जी, चलो दिखा दो। ये भी उस्ताद ने घर था जनाब। हाँ। जीरा प्लस, ये जीरा प्लस जो उस्ताद मतलब बिल्कुल, इसका जरा आंख की तरफ चेक करो उस्ताद ने। माशाल्लाह जी, जीरा प्लस आ गया, क्या बात है जीरे प्लस की, इस वक्त छाए पड़े हैं माशाल्लाह जीरा प्लस। उस्ताद आशिक हुसैन के घर के जीरे प्लस की तो क्या ही बात है माशाल्लाह। इसका पर जरा शो करो, इसको भी आपने उड़ाया माशाल्लाह जी। बिल्कुल जनाब, ये पट्टी उड़ी गए जी जी जी। माशाल्लाह जी, क्या बात है सफदर भाई, ज़बरदस्त हो गया। जिंदगी वफा की थी तो इंशाल्लाह सारे ब्राह्मण जड़ा ना फिर इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह गर्मियों में अपने दोस्तों से वादा करते मैं यहाँ आके ज़रूर सफदर भाई के साथ बैठ के आप लोगों को फिरते दिखाऊंगा और इंशाल्लाह बाजियों में ज़रूर आएंगे यहाँ। जहीर भाई है, मैं अपने घर का मेंटेन किया। अच्छा, ऐसा शो करो, इसकी आँख तो बड़ा देखने वाला है। जहीर भाई इनकी आँख खुबे चार पार दा बच्चा है ले। क्या बात है यार, जी बोले इसके बारे में। अच्छा चौथा पार हो सटे है ऐसे। बिल्कुल पार वे फिर भी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो समझ जी इसके बारे में बताओ, क्योंकि उस्ताद हमारे उस्ताद ही बोल रहा था आपके जो साहब अपना भाई है वो बोल रहा था कि ये एंड है ये कबूतर, इसके बारे में बताओ। जैन भाई है बच्चा सा उड़ाने वास्ते हो जाता है डेरे। हाँ। से छड़े है ना कबूतर ये साढ़े को 10-12 महीना बरा है। अच्छा, जेड़ा साडा कबूतर जत्तू वाला उड़दा रहा ना जी जी, इस साल उड़िया जिस 7 फड़का उड़िया, 7 विचों एक फड़क जो है ना 5 बजे कुछ मिनटा में बैठा, बाकी 7 चालियां उत्ते उत्ते दी परवाजन हो गया बरा है जनाब। क्या बात, ये वैसे उन जड़ा ना प्यारा लगा है। अच्छा अच्छा, भाई तो थल्ले छाड़ देता नहीं तो वरना उते दोन शो कराना है उते उड़ा ना सकता। बिल्कुल ठीक है, ऐ जनाब शो करो उस्ताद आंदे। आए हाय हाय हाय, क्या बात है, जोकर आ गए जी, जोकर जोकर भी दुबई आ गए। क्या बात है जी, ए लोका लाख लाख दा नहीं मिलदा ते मैं ये सवाल ही नहीं, शुक्र है उस्तादा दे जनाब सानो ना फ्री गिफ्ट कीते ने एक लोग। क्या बात है, सेट अप में थे इन्होंने ये उस्ताद जी, ये कबूतर दिखा दो। जहीर भाई उस्ताद मियां रियासत ने हमारे ऊपर ये शफकत की थी साडे ते, जो ना जेड़ा ना अपने घरों साने कोई पट्टियां पट्टे दिते ने ताकि साडा नेक्स्ट सीजन और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आवे। माशाल्लाह जी, ये आप जो भी मशवरा करते हैं, जो भी मतलब आपका मतलब कबूतर बाजी में आप जो भी कदम उठाते हैं वो आप मियां रियासत से पूछे बगैर नहीं करते जी। बिल्कुल जी, जेड़ा भी शुजे बंदे ना शौक करने कबूतर बाजी दे वाले ना जो भी मसला मसाइल उस्ताद दा मसला ना जनाब। माशाल्लाह जी, ऐसा शौक करो। ए जनाब जीरे प्लस दी पट्टी है। ओए होए होए, क्या बात है जी, माशाल्लाह जी, क्या बात है। ए अली वाले दी दी पट्टा जड़ा छड़े है ना आगे ओदी दी है। क्या बात है, ए तो पार दा शो करो। एदिया बाहर लिया तीन तीन रहनियां ना ये तो बारिश में भी जाहिर नहीं होगा यकीन ਉਹ ਵੇਸ ਕੋਲ ਬੰਦਿਆ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜੱਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਂ ਜੀ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਮੋਸ ਬਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜੀਰਾ ਪਲਸ ਉਸਤਾਦ ਆਂਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਦੀ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਪੱਠੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੰਦੇ ਖਾਣੇ
प्रमोद आ गए जी पिपला वाले देखो। हाँ नहीं नहीं वो अच्छे कबूतरों में होता है, ये मैंने देखा है जो अच्छे कबूतर होते हैं उनमें अक्सर कबूतरों में होते हैं। ये आपके अली वाले कबूतर है जी? ए जनाब साढ़े घर के कबूतर ने, कोई भी कबूतर है कोई उस्ताद के घरों आए ने पट्ठे, बाकी साढ़े घर के बड़े कबूतर के अगो जोड़े जड़े ना बच्चे पट्ठे असा डाए ने अडा के अगो जोड़े उत्ते लाए। ये कौन से ब्रीड है सरदार भाई? ये साढ़े बटेरे कबूतर लेना बिचो जनाब है पट्ठा। अच्छा माशाल्लाह। ये देखो जी ये सफदर कोटला भाई का बटेरे के बछड़ों में से है। क्रीच वेचे ये वो कबूतर है दोस्तों जो जेट 2019 के रिकॉर्ड होल्डर है, माशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 2019 में जनाब है स्पेयर पीछे आ रहा पटिया पट। अच्छा जी माशाल्लाह, यानी कि 2019 में स्पेयर आन पीछे अड़ाने वास्ते। क्या बात है कोई चीज नहीं है, आपने अच्छा फैसला किया उस टाइम पे माशाल्लाह। क्या बात, हम आपके साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सफदर कोटला के साथ उस्ताद मियां रियासत के लाड़ी ने शागिर्द है भी ओदी ओदी बहन है। अच्छा जीरा प्लस अली वाला कबूतर। क्या बात है यार जी। तो वो अली वाला कबूतरों में ये है मेरा ख्याल में पीछे से उसकी जेड़ी मां यो बटेरी आई। अच्छा सही है, यानी कि अली वाले बड़ा कबूतर बुड्ढा ही ओदना बटेरी कर दी ओदे चगो पट्ठा निकले माशाल्लाह, यानी कि जेड़े प्रमोद पिपला वाले हुंदे ने पक्का जेड़ा के 100% जेड़ा ना ओना बेच पारे बटेरे दा माशाल्लाह। बिल्कुल लो जी दोस्तों देखें क्या बात है। दोस्तों ये वो कबूतर है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कबूतर है, ये सारे माशाल्लाह ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कबूतर है माशाल्लाह। क्या बात है, इसमें भी फिरोजपुरी पर है जी माशाल्लाह जी। ए पिपला तो मादी आई है बिल्कुल जी, साडा एक संगी है मीर आजम खान। अच्छा और ना जनाब है सानू गिफ्ट मादी करनी है, ये मादी वो है उन्होंने जेड़े उन्होंने आज तो 50 साल पहला 1,000 रुपये का कबूतर आंदा है ना जी जी। दो उस्ताद कबूतर लैन गए, एक ही आखिए फिरोजपुरी कबूतर है, एक ही आखिए बटेरा कबूतर है, जेदे विचों पिपला वाली ब्रीड बनी अगे। अच्छा जेदे विचों टपोरी वो कबूतर बने ने जां अकमल खान को जेड़े कबूतर ने जेड़ी ब्रीड विचों कबूतर बने उस ब्रीड चो मादी है माशाल्लाह। असी उन्होंने को गए ही उन्होंने गिफ्ट की तीन उन्होंने सानू गिफ्ट की दो बहना ने एक और मादी है। क्या बात जबरदस्त है। ये देख ये जिस छत से हम आपके चौक जहाँ से हम चौक कर रहे हैं माशाल्लाह वो वेल्ड रिकॉर्ड होल्डर है माशाल्लाह सरदार कोटला भाई। क्या है बात है इनकी, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और इनके परंदों को भी माशाल्लाह। आज हमको बहुत अच्छे शौक देने को मिल रहे, उम्मीद करते सब भाई इस शौक को बड़ा शौक से देख रहा होगा माशाल्लाह, मज़ा भी आ रहा होगा। ये वो कबूतर है जो जिनकी टाइम जेड में माशाल्लाह 43-47 टेम्परेचर में इन्होंने, क्या बात है इस पर की, क्या बात है यार ज़बरदस्त हो गया जी, मज़ा आ गया जी, बहुत मज़ा आ गया इस पर को देख के। क्या बात है कबूतर का शौक करो जी। हाँ वो जी वो लाओ दूसरा जहीर भाई, ये कबूतर जो है ना ये हमारा एक दोस्त है मिर्जा आसफ जी जी मंडी बाबलदीन में जी जी आँख का शौक करो जनाब। लो जी ये मेरा पसंदीदा कबूतर है, ये वही है जो बाहर छोड़ा होता? नहीं नहीं जी दूसरा। माशाल्लाह जी क्या बात है, ये होता ना विजाल होय 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 क्या कातिल आंखे है भाई जाहिर अकल कोने कबूतरा चा
ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਕਲ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਆਂਖ ਵੀ ਚਮਕਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਚਮਕ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਐਸੇ ਕਬੂਤਰ ਜਬ ਹੋਗੇ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਤੋ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਬਣਨੇ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ इसने ज्यादा ही हिला दिया सफदर भाई मैंने नहीं ला खुद हिला रहा है मैं यही बोल रहा हूँ इसने कुछ ज्यादा ही हिला दिया क्या बात है दोस्तों अभी मैं आपको एक कबूतर दिखा रहा है ये कबूतर मुझे बहुत पसंद आया जब मैंने ये कबूतर देखे तो बस समझ लो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कबूतर बहुत ही अच्छा कबूतर का शौक करवा रहे हैं आप देखो ज़रा आपके भाई का मतलब पसंद भी देखो ज़रा आप लोग ਜ਼ੇਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੈ ਜੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੈਣ ਲੇਕਰ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਨੇ ਅਭੀ ਜਾਣੇ ਫਖਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਉਨਕੇ ਛੱਤ ਪੇ ਵੀ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਭਾਈ ਕੋ ਫੋਨ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾ ਤੋ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਭੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਭੀ ਜਾਏਂਗੇ ਉੱਧਰ ਜਾਏਂਗੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਂਗੇ ਇਹ ਦੇਖਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕਾ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਅਭੀ ਹਮ ਆਪਕੋ ਉਡਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋ ਕੇ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਵਾਂ ਕਿਆ ਸਫਦਰ ਭਾਈ ਕਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਫਦਰ ਭਾਈ ਕੇ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੱਝ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਕਿਸ ਕੋ ਤੁਮੇ ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਆਏ ਸਫਦਰ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਤੋ ਸੀੜੀ ਪੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪ ਲੋਕ ਕੇ ਲਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਭੀ ਉਨਕੇ ਉਡਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰੋਂ ਕੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਛੱਤ ਪੇ ਚੜ੍ਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸਫਦਰ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੀਚੇ ਤੇ ਸਫਦਰ ਕੋਟਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਕੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਲੇਰ ਖਿਲਾੜੀ ਆਸ਼ ਉਨਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਨੇ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਉਨਕੀ ਗੁਫਤਗੂ ਸੁਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਨਕੀ ਇਹ ਉੜਨੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਲੋ ਜੀ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਉਨਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਫਦਰ ਕੋਟਲਾ ਭਾਈ ਕੇ ਛੱਤ ਸੇ ਹਮ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲਾ ਅੱਜ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸਾ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਕਮ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਜ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਫਦਰ ਭਾਈ ਨੇ ਹਮੇ ਸਾਥ ਦਿਆ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇ ਆਪ ਲੋਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸਕੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਟੇਰਾ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਟੈਡੀ ਬੋਲੇ ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਹਾਂ ਬਾਪ ਕੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਧੂਪ ਮੇਂ ਲਾਓ ਧੂਪ ਮੇਂ F16 ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਨਾਬ F16 ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ F16 ਬ੍ਰੀਡ ਕਾ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਤੇ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸਫਦਰ ਭਾਈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪੱਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ F16 ਬ੍ਰੀਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ F16 ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਰਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜੋੜਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਤੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਮਾਨੋ ਇਨਕੇ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਨ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਪੱਠੇ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਬੜੀ ਥੱਲੇ ਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜੋੜਿਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 49 ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਰਾਤੀ ਉਹ ਪੱਠਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਤਰੀਆਂ ਬਤਰੀਏ ਨੇ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਤਰੀਆਂ ਬਤਰੀਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਲੱਖ ਕਬੂਤਰ ਆ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ
माशाल्लाह इतने अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर से कबूतर, मज़ा आ गया मुझे ये कबूतर देख के। माशाल्लाह जी क्या बात है इन कबूतरों की। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सफदर कोटला भाई के छत से उस्ताद मियां रियासत के शागिर्द, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, माशाल्लाह जी क्या बात है। अल्लाह इनका सेहत तंदुरुस्ती दे, क्या बात है। ये भी एफ 16 जी, ये उसे ब्रीड बीच है। अच्छा माशाल्लाह, ये उसे ब्रीड बीच है। अभी हम आ रहे थे तो आप लोग बात कर रहे थे ना, एक बच्चा उड़ रहा है बक्सुआ लगा के, ना दो बज रहा था, वो कहाँ है? वो दूसरी छत पे। अच्छा अच्छा, उसको उसके जो शिगिरद है उस उड़ाने वाले बच्चे, अच्छा अच्छा, 10 बच्चे संग गिफ्ट किए हैं, तो बीच में एफ 16 का भाई है ना जी, जी बच्चा बैठा दिस एफ 16 का भाई, बिल्कुल क्या बात है। एदा ब्राउन ना देता ये गिफ्ट देता है, ते ओ बद्दे आई जनाब, और पांच पांच पारो दे बाद को ना डाई आई, ते 2 बजे ना फोन मारा का लाला को ना का पुटने, बिल्कुल, लेकिन ना फिर भी डाया, चलो उड़ रहे। अच्छा माशाल्लाह, 2 बजे तक उड़दा ही पिया, ते 2 बजे तो बाद जड़ा ना हम तो इधर आ गए ना, बिल्कुल आप दिखाएं, देखो जनाब शो करो इस दा, ये लाखे कबूतर है माशाल्लाह। ओए होए 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 होए, कमाल है यार, क्या बात है, जबरदस्त जी इसके ऊपर। अच्छा इनके माँ बाप रात को मतलब गर्मियों में भी नहीं बैठते जी, एदा जेड़ा चाचा है ना, हाँ एदा चाचा दा पुत्र जेड़ा है, हाँ ओ नंजा टेंपरेचर से भी देश के सामने राती बाहर रह जांदा है। अल्लाह अकबर जी। हाँ, और इस बच्चे दे जेड़ा मेरा निक्का भाई है, तो मेरी शरत लगी है जी जी, ए ना विच बहुत अकल है। अच्छा, असा पिंडो बच्चे आंदे ने लिया के बच्चा एक बार छड़या जी जी भाई, जस्ट जेड़ा ना शरत ला के, हाँ या ओ बच्चा जड़ा है ना पूरा दिन जलील होके और बैंग है, फिर घर ही आ गया, क्या बात है। ये साडे घर के ब्रीड है माशाल्लाह जी, क्या बात, दूसरी साइड तो बड़े कबूतर है। हां चलें चलें ये देखते हैं, फिर हम आपको अभी मियां रियासत भाई के छत से भी शो करवाएंगे। सफदर कोटला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है उनके उस्ताद मोहतरम मियां रियासत भाई के छत से भी इंशाल्लाह आप लोगों को शो करवाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज का जो सेगमेंट है बहुत पसंद आए होंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतरों का शौक करवाया सफदर भाई ने, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए आप लोगों को। माशाल्लाह जी बहुत अच्छे टिप्स दिए माशाल्लाह इन्होंने, क्या बात है सफदर भाई की, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें भी की है, आपको ब्रीड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया उन्होंने। उनके यहाँ पर जो सफदर भाई को जो है फिरोजपुरी कबूतर जो है ना वो ज़्यादा वो लाइक करते हैं, इनके सारे कबूतरों में फिरोजपुरी पर है माशाल्लाह, लेकिन फिरोजपुरी भी वो फिरोजपुरी हो जो अच्छे हैं माशाल्लाह। क्यों सफदर भाई, रंग वाले ना हो डंग वाले हो क्या बात है, ये 35 वाले कबूतर का शौक करे दोस्तों, ये सारे बड़े हैं, इसमें तो बहुत एफ 16 नजर आ रहे हैं जी, है साडे को ब्रीड ही है जनाब, उड़न वाले कबूतर इंशाल्लाह, माशाल्लाह जी की बेचे उड़न गए इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह जी, ए जी वो बड़ा चीना कबूतर है। अच्छा एक मिनट को जी थोड़ा खाऊंगा, ए बड़ा चीना कबूतर है जनाब, 2019 दे विच सारियां जड़ियां त्रै तो पार दियां दियां फड़कां ने 7.5, 7, 7, 6.5, 6, 5, 4 तोते, त्रै तोते उत्ते फड़कां ने माशाल्लाह, 7.5 जी बैठे, 3 बजे से ऊपर भी बैठे माशाल्लाह जी, क्या बात है, क्या जबरदस्त, क्या ही बात है। जी जी माशाल्लाह जी, ये देखो जी एफ 16 साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं अभी, ये देखें क्या बात है जी, वाह जी वाह, काले मुंह वाले क्या है ये, देख लो ये चूहा है क्या, हमें बताओ ना यार सरदार भाई, हमने आपसे सीखने और किससे सीखने। जेर भाई ये बटेरा प्लस चूहा है जी, क्या बात है जी माशाल्लाह जी, सरदार भाई क्या बात है, इस कबूतर का जरा शो सफदर भाई, ये दरवाजा बंद कर सफदर भाई, ये कौन सा ब्रीड है ये दिखा, ये इसके बारे में बताना। ये मैं के काल की इतने पिपला वाले कबूतरा दी जी जी, मीर आजम मीर कमर खान जी 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 जी, उन्होंने गार दिए माशाल्लाह, बहुत प्यारा है, ने उड़ाने वास्ते। अच्छा ये भी उड़े हैं आपके पास जी, ये हिल गई है तो इंशाल्लाह फिर उड़ पोसे दिए जी, कबूतर साडा वापस जरा मुड़ के। अच्छा
ये वापस आया आपका जी? माशाल्लाह जी, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। जत्तल पठा। जत्तल पठा जी, माशाल्लाह जी, क्या बात है। अच्छा, ये भी पिपलों वाला में से थले तो ना? हाँ, दो पठी पठा जी जी जी, उन्होंने बरा है। माशाल्लाह जी, क्या बात है। क्या बात है जी, माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। आप अंदर आओ, आपसे कुछ सवाल पूछने। लो जी, मैं आपको उस हस्ती से मिलाता हूँ जिन्होंने F-16 को वजूद मिलाया। छुपा रस्तम। हाँ जी, अब वालेकुम सलाम। अभी बताएं आप, ये F-16 जो ब्रीड बनाया आपने, माशाल्लाह इतने इसने नाम कमाया, माशाल्लाह। आपने, मैंने भाई से सुना था कि एक जोड़ा ऐसा लगा था कि माशाल्लाह उसने नाम बना दिया, तो आपने वो क्या समझ के जोड़ा लगाया था, सोच समझ के लगाया था या ऐसे ही लगाया था? वो जोड़ा मैं लगाया सी ते उस पठियां पटे बच्चे उड़दे सन बत्ते। अच्छा। बड़े उड़दे सन। अच्छा। ते वो मैं उस्ताद मीर रियासत रनाल साहब ने आख्या भाई उस्ताद जी कबूतरी कबूतर जोड़ा लगे ते बड़े उड़दे ने। हां, इंज उड़दे ने। ते उस्ताद ने आख्या उन्हें पठियां पटे रोकी जा। मैं अच्छा, सही हो गया। पठियां पटे मैं रोकी गया 10-15 जिसले होए जी जी, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਧ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਖੁੱਡੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਲਵਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਕਮ ਬੇ ਖੁੱਡੇ ਦੀ ਹਰ ਨਰ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਹਰ ਖੁੱਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਈ ਕਾਰਾਂ ਮੱਝਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪੜਾ ਆਪਕੋ ਜੇਡ ਮੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 3 ਸਾਲ ਇਸ ਜੇਡ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। 2012 ਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਪ ਲੋਕ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਭਾਈ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰ ਕਬ ਹੋਏ? ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰ ਬਣਿਆ ਸਾਂ 2013 ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ ਜੀ, ਸਾਂ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਥੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਥੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਛਾਛਤ ਜਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਰਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਨੀ ਮਦਦ ਉਸਤਾਦ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਨਾਬ ਨੇਕ ਉਹ ਹੀਰੇ ਬੰਦੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਮਲੰਗ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਮਲੰਗ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਫੇਵਰਟ ਕਬੂਤਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਰਾਕ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਆਂਗ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇ ਮਲੰਗ ਕਰ ਦਿਏ ਯਕੀਨਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ 7 ਫੜਕਾਂ 670 ਘੰਟਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 7 ਫੜਕਾਂ 670 ਘੰਟਾ ਸੀ ਤੇ ਇਤਨੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਵਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਦਿਵਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰੀਫੋਂ ਕੋ ਤਾਂ ਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤਨੇ ਕੋ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਛੱਟੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਚਲੋ, ਹਮ ਅਭੀ ਆਪ ਲੋਕ ਕੋ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਕੇ ਛੱਤ ਸੇ। ਅਬ ਹਮ ਇਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਐਂਡ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਹਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਨਾ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਸਾ ਲਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਔਰ ਆਪ ਕੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹਮ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਮ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇਂਗੇ, ਉਨਸੇ ਵੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਅਗਰ ਮਸਰੂਫ ਨਾ ਹੋਵਾ ਤੋ ਹਮ ਉਨਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰੇਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਫਿਰਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਕਪੂ ਮੇਂ ਵੋ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਔਰ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਉਨਕਾ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ। ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਅਭੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਕੇ ਛੱਤ ਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋਂਗੇ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਹਾਂ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ।